अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट वकार अजीम बट चैनल में वेलकम करता है। और आज अभी मैं बात करूंगा गर्मियों के हवाले से, क्योंकि गर्मियाँ भी आ गई हैं, तकरीबन मौसम स्टार्ट हो रहा है। तो अभी से आप बंदोबस्त कर लें, अपने परिंदों की केयर कर लें, गर्मियों की तैयारी कर लें, क्योंकि अभी आएंगे तो बर्ड्स जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे। अभी जो चीज़ें हैं वो ये आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जो केयरिंग लगी हुई है वो आपने सेपरेट कर देने हैं बर्ड्स, उनको कलोनी में छोड़ देना है ताकि उनको रेस्ट मिल जाए। अभी ये आप देखेंगे, मैंने छोड़ दिए हैं कलोनी में, ये सारी बादियाँ मैंने छोड़ दी हैं, नरों को मैंने अलहदा कर लिया। ठीक है, ये सेपरेट तोतों का है, ठीक है, सेपरेट सिस्टम जो है उसके अलावा ये लव बर्ड का सिस्टम जो है ये मैंने अलहदा कर दिए, लव बर्ड कलोनी में छोड़ दिए, जो कलोनी बाकी ये सारे अलहदा मैंने कर दिए। अभी सब जो जोड़े एक दो रह गए हैं जिन्होंने बच्चे निकाले हैं वो हैं, बाकी तकरीबन मैंने मिक्स कर दिए हैं, नरों को अलहदा कर दिए, मादों को अलहदा कर दिए, ये मैं ग्रीन पहले इनको भी अलहदा कर दिया। तो ये सबसे पहले कर आपने करना है। उसके अलावा जो है आपने जो है हर तरह से ग्रीन कपड़ा लपेट देना है ताकि डायरेक्ट धूप आपको ना पड़ सके। और ये छत पे रखने वाला जो भाई अक्सर परेशान होते हैं कि छत पे नहीं रखा जा सकता, तो ये सारा सिस्टम मैंने छत पे ही बनाया, कोई इशू नहीं होता, लेकिन ये तो है कि आपको थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है। उसके अलावा जो है कि आपने गर्मियों में उनको सब्ज़ा ज़रूर डालना है जो आपके बर्ड्स हैं, ताकि उनको ठंडक मिले। फिर वो उसके अलावा जो है पानी स्प्रे जो है वो भी साथ साथ आपने करते रहना ताकि आपके बर्ड्स को, और आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, कोई आपको बर्ड नज़र आता है कि यार बैठा हुआ है जिसे ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो आपने उसको छिड़काव करना है। तो इस तरह से इंशाल्लाह ताला गर्मियाँ थोड़ी मुश्किल होती हैं बर्ड्स के लिए जब आप एहतियात नहीं करें, क्योंकि गर्मी तेज़ पड़ती है तो फिर बर्ड्स जो हैं वो ज़ाहिर बात है उनको कई बीमारियाँ लग जाती हैं, मोशन लग जाती हैं, वो आपके बर्ड्स वीक हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ी सी उनको एहतियात की ज़रूरत होती है। तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, ताकि मेरी जो वीडियो है अपडेट वो उन तक पहुँचते रहे। खुदा हाफिज़।